हाँ बेटा, हम लोग का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है आज का। हम लोग का जो आज का क्लास है वो एल्गी के क्लासिफिकेशन के ऊपर है। हम लोग का आज का जो क्लास है वो एल्गी के क्लासिफिकेशन पे है, और इस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है एफ ई फ्रिट्स ने। ठीक है, टैक्सोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने पूरे एल्गी को बांट रखा है कितने में, तो 11 क्लासेस में, 11 क्लासेस में बांट रखा है। उसमें से हम लोग 8th क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, जो यूग्लिनिनी है। याद रखो बेटा, ये यूग्लिनिनी है। हम पढ़ने जा रहे हैं इसके करेक्टर्स को। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप इसे पूछिए और क्वेश्चन कीजिए अपना। ठीक है, दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड। याद रखो बेटा, इस फॉर्म के जो मेंबर्स होते हैं या इस क्लास के जो सदस्य होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज होते हैं। इट मीन्स ये विशेष प्रकार के यूनिसेलुलर ग्रीन फ्लैजेलेट्स होते हैं बेटा। हरे रंग के दिखते हैं, एक कोशिका वाले होते हैं, और इनमें कशाविकाएं पाई जाती हैं। इनमें कशाविकाएं पाई जाती हैं। दीज सेल्स हैज़, याद रखो, मैनी मैनी क्रोमेटोफोर्स। इन कोशिकाओं के पास ढेर सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं बेटा। क्रोमेटोफोर क्या होता है? तो क्रोमेटोफोर विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं जो कोशिकाओं के अंदर, यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं के अंदर पाई जाती हैं, और वो रंगीन, वो रंग को धारण करती हैं। आगे पायरेनॉइड लाइक बॉडीज, याद रखो बेटा, इनके में पायरेनॉइड के समान पिंड पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन सभी में नहीं, प्रेजेंट इन सम फॉर्म। ठीक है, कुछ एल्गी में ये पाए जाते हैं। ठीक है, यानी यूग्लिनिनी के कुछ सदस्यों में पायरेनॉइड लाइक बॉडी पाई जाती है। द मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल। याद रखो बेटा, इनका मुख्य वर्णक जो होता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो क्लोरोफिल है बेटा, वो क्लोरोफिल है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, और प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है जो इनके में पाया जाता है वो पॉलीसेकेराइड है। और कौन सा पॉलीसेकेराइड है? तो पैरामाइलान। अगर क्वेश्चन करें कि यूग्लिनिनी या यूग्लिना में जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो पैरामाइलॉन होता है बेटा। ठीक है, और ये पॉलीसेक्राइड होता है। मोस्ट ऑफ मेंबर्स, याद रखो बेटा, मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव वन और टू फ्लैजला। इनके अधिकांश सदस्यों के पास एक या दो कशाविकाएं या फ्लैजला पाया जाता है। विच आर एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ कैनाल लाइक इन्वेजिनेशन। याद रखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे यूग्लिना को या इसके एग्जाम्पल्स वाले ऑर्गेनिज्म को, तो उनके अगले सिरे पर एक गड्ढा पाया जाता है, इन्वेजिनेशन, अंदर धंसा हुआ रचना पाया जाता है ट्यूब की तरह, कैनाल लाइक, और उसी के भीतर से कशाविकाएँ, फ्लैजलाएँ निकलती हैं इनमें से। दीज एल्गी पॉजेज कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम। इन शैवालों में, यानी इस क्लास के शैवालों में, जटिल रिक्तिका तंत्र पाया जाता है। रिक्तिकाओं का पूरा जाल पाया जाता है इनकी कोशिका के अंदर। द मल्टीप्लीकेशन बाई सेल डिविजन। इनमें जो द्विगुणन होता है, ये जो अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, वो कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन ओनली इन फ्यू फॉर्म। ठीक है, इनके कुछ ही सदस्यों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है बेटा। और अगर लैंगिक जनन के पाया जा रहा है तो वह भी आइसोगैमस टाइप पाया जाता है। आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि इनके युग्मक जो होते हैं, गैमेट जो होते हैं, जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, वो एक समान होते हैं, दोनों युग्मक एक समान होते हैं। दिस क्लास इंक्लूड्स 3 फैमिलीज। इस क्लास के अंतर्गत 3 फैमिली आती हैं बेटा। इसे हम लोग ऑर्डर में नहीं, सीधे फैमिली में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सी फैमिली आती है ध्यान से देखिए। पहला इसमें यूग्लिनेशी, ठीक है, जो वेस्ट वेल नोन फैमिली है यूग्लिनेशी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी वेल नोन है, जो सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, यूग्लिना। उसके बाद क्या है? एस्टेसिएसी। ठीक है, एस्टेसिएसी, इसका एग्जाम्पल एस्टेसियस है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखा है? परने में मेनियसी। ठीक है, याद करिएगा इसको। इसका एग्जाम्पल क्या है? एन आइसोनेम। ठीक है बेटा, इसके साथ ही ये क्लास समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास कुछ ही देर में हम अपलोड कर देंगे। ध्यान से इसको पढ़ते रहिए।